नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। साथियों, आज हम देखने वाले हैं टाटा की एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट स्कीम। इसके अंदर आप पैसा लगाओगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। और ये स्कीम के अंदर आप टाटा तो जानते ही हो, टाटा भारत का बहुत ही अच्छा और बढ़िया कंपनी है और बहुत ही बड़ी कंपनी है। और दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया है और उसके अंदर अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है। इसलिए हम बात करने वाले हैं इसके अंदर क्या कुछ खास है ये स्कीम के अंदर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे यारों मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें तो टाटा का ये प्लान का नाम है टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ। डिजिटल इंडिया रिलेटेड ये फंड है, यानी कि आप सोचो कितना डिजिटल हो रहा है, सब पेमेंट गेटवे डिजिटल हो रहा है, आप UPI देखो, मोबाइल सब डिजिटल हो रहा है। तो ये फंड काफ़ी अच्छा है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, आप इसमें पैसा लगा सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले इसकी रिटर्न की बात कर लेते हैं, कितना इसने रिटर्न दिया है। सबसे ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो इसका रिटर्न है 19.35, यानी कि जब से फंड आया है तब से इसने 19% रिटर्न निकाल के दिया है, यानी कि FD से 3 गुना। अभी दोस्तों आगे बात करें तो इसका 5 साल का रिटर्न है 20.80, 5 साल में इसने 20% रिटर्न निकाल के दिया है। और 3 साल की हम बात करें तो लास्ट 35.74, यानी कि 35% रिटर्न निकाल के दिया है इसने एवरेज। और दोस्तों 1 साल की बात करें तो इसने 4.5% तक यहाँ पे रिटर्न आपको निकाल के दिया है। अभी दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है, इसके अंदर आप लमसम यानी कि एक बार पैसा लगा के छोड़ देना है, भूल जाना है, तो आप अगर 5,000 भी लगा सकते हो। और हर मंथली आपको इन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि हर महीने आप पैसा भरोगे तो आप 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो SIP। दोस्तों अभी आगे बात करते हैं इसका फंड साइज। फंड साइज यानी क्या, कितने लोगों ने इसके अंदर पैसा लगाया है। दोस्तों इसके अंदर 6,764 करोड़ रुपया लगा है, यानी कि इतना पैसा सारा लोगों ने लगाया है, इसलिए काफ़ी अच्छा फंड है। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो यानी कि आपका जो फंड मैनेज करता है वो आपके पास चार्ज लेता है, उसका क्या है 0.32, यानी कि काफ़ी अच्छा, खाली 30 पैसा लेता है। एग्जिट लोड 25 पैसा है, यानी कि बीच में फंड अगर आप छोड़ देते हो निकल जाना है तो खाली 0.25 पैसा चार्ज लगेगा, बाकी कुछ नहीं लगेगा। अभी दोस्तों हम आगे बात करें तो आपका पैसा तो इसने ले लिया, लेकिन ये पैसा लगाता कहाँ पे है। इसकी होल्डिंग की बात करें तो इसने लगाया है इन्फोसिस में 20%। दोस्तों इन्फोसिस में इसने 20% पैसा डाला है। फिर टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज के अंदर इसने 18.5%, फिर HCL टेक के अंदर 8.5%, भारतीय एयरटेल के अंदर 8%, फिर LTE, फिर आप माइंड ट्री है उसके अंदर 8%, टेक महिंद्रा में है इसका इन्वेस्टमेंट, फेसबुक में भी है, विप्रो में भी है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो क्लाइंट लिमिटेड में भी है, फिर यहाँ पे प्रेसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट है, यानी कि काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट, सब कंपनी अच्छी है, सब डिजिटल रिलेटेड ही है। अभी दोस्तों हम बात करें, आपने 50,000 रुपया आज लगा दिया तो फिर उसका कितना पैसा बनेगा 5 साल बाद, 15 साल बाद। हम इसका रिटर्न तो ज़्यादा है, लेकिन हम 18% रिटर्न एज्यूम करते हैं। मानो कि 50,000 रुपया आप अपने लगाया आज और 50,000 रुपया 1 साल तक आपने इन्वेस्टमेंट किया तो 1 साल बाद आपको मिलेगा 59,000 रुपया, यानी कि 9,000 रुपया आपको मिलने वाला है रिटर्न। फिर वही 50,000 आप 5 साल तक इन्वेस्टमेंट करोगे तो इसके अंदर आपको रिटर्न ममिलेगा 64,000 और टोटल अमाउंट होगा 1,14,000 रुपया। अभी दोस्तों 15 साल तक अगर आप 50,000 रुपये लगा के छोड़ देते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 50,000 और उसके सामने टोटल रिटर्न मिलने वाला है यहाँ पे 5,48,000 रुपया, यानी कि इतना आपको रिटर्न मिलने वाला है इसके अंदर। अभी दोस्तों आप 50,000 रुपया 20 साल तक लगाते हो तो टोटल 20 साल बाद जो आपको पैसा मिलने वाला है आपके मूड़ी की सही तो 13,20,000 रुपया। आज 50,000 लगा के छोड़ दो और 20 साल बाद आपको मिलेगा 13,20,000 रुपया। अभी दोस्तों यही आप अगर 33 साल तक पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो, सोचो आप 33 साल तक, तो आपको मिलने वाला है 1,17,00,000 रुपया, यानी कि काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है टाटा का ये। आज ही आप टाटा की कोई भी ऑनलाइन भी आप अगर स्कीम खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो म्यूचुअल फंड की, और आप टाटा लिमिटेड में जाके भी खरीद सकते हो। तो जय हिंद, जय भारत।